नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया। अनादि शख्सियत में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह जी। बिसाहूलाल जी 40 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, विधायक पद छोड़ा, मंत्री बने, उसके बाद फिर उपचुनाव की परीक्षा पास की और इस परीक्षा में वो रिकॉर्ड 35,000 से ज़्यादा वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुँचे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और कांग्रेस के उनके पुराने अनुभव के आधार पर आज हम फिर उनसे रूबरू हो रहे हैं। तो बिसाहूलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि किसी भी मानव जाति में ये कहते हैं कि मानव जाति में जो जीवन चक्र है, जन्म लेता है कोई व्यक्ति तो 9 महीने में नया जन्म आ जाता है। जी, तो 9 महीने हो गए हैं आपको भारतीय जनता पार्टी में आए हुए, तो क्या इस पार्टी को आपने आत्मसात कर लिया और पार्टी वालों ने आपको स्वीकार कर लिया? देखिए, जो राजनीति है, ये बात सही है कि मैं 40 साल तक आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में, आदरणीय राजू जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय इंदिरा जी के नेतृत्व में सबसे पहले मैंने कांग्रेस की सदस्यता लिया था। तब से लगातार मेरा संबंध कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोगों से भी रहा और भारतीय जनता पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता रहे, सुंदरलाल जी पटवा रहे, बाबूलाल जी गौड़ रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बहुत नेता थे, इनसे भी मेरी वही संबंध थी। कभी मेरा मनमुटाव नहीं रहा राजनीतिक फील्ड में। जब भी हमें मौका मिला वो हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ कांग्रेस में होने के नाते बात करते थे और आज चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में अपन काम कर रहे हैं, मैं ये महसूस किया कि अब वो कांग्रेस नहीं रह गई जो इंदिरा जी के टाइम पे रही, आज वो कांग्रेस नहीं रह गया जो राजू जी के टाइम पे रहा। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश, बिहार, आपके आंध्रा, कई प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस ख़त्म के कगार पे आ गई है, क्योंकि नेतृत्वविहीन कांग्रेस पार्टी रह गई है। काफ़ी दिनों से मैं अनुभव कर रहा था कि आदरणीय अटल वाजपेयी के नेतृत्व और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज ये प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और यही कारण था कि कई महीनों के सोचने के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी को ज्वाइन किया। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जैसा आपने कहा कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, मुझे तो हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी लगातार किसान, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजात, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा महसूस होता है और उनके नेतृत्व में मुझे भी अभी तो 9 महीने ही काम करने का मौका मिला है, अब 3 साल में देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं। तो इस 3 साल में आप आगे देखेंगे कह रहे हैं, तो 3 साल में कहीं ऐसा फिर आपका यहाँ से मन भेद जैसी स्थिति तो नहीं आ कि मन वापस कहे कि अब लौट चलने वाली स्थिति आने वाली? देखिए, अपन हमेशा से विकास की राजनीति की है, कांग्रेस में रहे तब भी अपने क्षेत्र की जनता और प्रदेश के लोगों को विकास के लिए ही हमने अपना जीवन समर्पित किया और आज मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में 9 महीना में करीब 1,000 करोड़ रुपया अनूपपुर ज़िले को उन्होंने दिया है। अधिकांश काम शुरू हो गए और कुछ काम अभी शुरू होने वाले हैं, तो जो काम मैंने कांग्रेस में रहते 40 साल में नहीं कर पाया, आज अगर 9 महीना में अपन ने विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो मुझे तो हार्दिक प्रसन्नता है। अगर इसी तरह विकास होता रहेगा तो आने वाले समय में अनूपपुर एक आदर्श जिला बनेगा। तो बिसाहूलाल जी, यदि आप जो काम 40 साल में नहीं करा पाए कांग्रेस में रह के, आप इतने सशक्त नेता कांग्रेस के थे, तो कहीं ऐसे आपकी कमजोरी नहीं जाहिर होती कि कांग्रेस पार्टी में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाए अनूपपुर की और भारतीय जनता पार्टी आई तो सौगातों की बौछार? मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, जब मैं 1980 में सबसे पहले विधायक बना जी, अनूपपुर में पुलिस की एक चौकी था, थाना भी नहीं था, वहाँ पे आपके नगर पंचायत भी नहीं था,
ग्राम पंचायत था, जिला भी आपने ही बनवाया। तो नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला तक मैंने अनूपपुर को बनाया। अनूपपुर में सोन, टिपान, नर्मदा, तमाम बड़े बड़े नदियां हैं, उस पर मैंने पुल बनाया। करीब 100 हायर सेकेंडरी हाई स्कूल खोला। उस समय कहीं पे बिजली नहीं था, आज अनूपपुर ज़िले में सब जगह बिजली की व्यवस्था हमने की। और आज सभी गांव को मैंने आवागमन से जोड़ा। मैं आपसे निवेदन करूँ, कभी मौके में छोटी सी मारुति कार में आप हर गांव जा सकते हैं, जबकि ट्राइबल एरिया है। तो मैं तो वहाँ रह के भी विकास को प्राथमिकता दिया। ये बात सही है कि मैंने 40 साल में ये काम कहें कि 21वीं सदी का विकास अब आप भारतीय जनता पार्टी में रह के वहाँ पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल वही सोच है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आमंत्रित किया। अनूपपुर एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे मैंने 200 बिस्तर अस्पताल की घोषणा कराई और शुभारंभ भी कराया। आज अनूपपुर में बाईपास रोड का मैंने शुभारंभ कराया, जो अनूपपुर से बाईपास जाएगी। अनूपपुर में आरओबी ओवर ब्रिज जो होता है रेलवे का, उसका करीब 22 करोड़ रुपया दे के ओवर ब्रिज का काम कराया है। तो लगातार विकास के मेरी सोच रही है। और आज विकास के साथ आदरणीय शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे पूरा समर्थन दे रहे हैं और पूरा विकास को लाने के लिए मेरा साथ दे रहे हैं। हमने देखा कि ये जो उपचुनाव हुए थे तो इसमें ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 16 सीटें थी, बाकी सीटें भी इसी तरफ थी। आप एक अलग थलग पड़ गया था आपका क्षेत्र जी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी उधर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो क्या पार्टी को आप पर भरोसा था, पूरी तरह आपके ऊपर छोड़ दिया गया था चुनाव, या और कोई फैक्टर रहे जिसकी वजह से आपने इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड जीत हासिल की? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अनूपपुर की जनता विकास चाहती है, उन्होंने मेरे विकास के कार्यों को देख चुका है। और अभी मैंने खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि अगर आपको समय मिले तो एक आध बार आप आइए। बोले और कोई नेताओं को भेजने की जरूरत है? मैं कहा भेजने की जरूरत नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों के नेतृत्व में मैंने चुनाव लड़ा और पब्लिक का भी मेरे को समर्थन रहा। तो ये तीनों चीज जब आ गए तो मुझे चुनाव जीतने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक गांव के 40-40 लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मुझे वो जानते हैं, तो कार्यकर्ता भी नहीं ढूंढना पड़ा। भीतरघात की शिकायतें आई कई जगह, आपके क्षेत्र में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? ये तो हमेशा होता रहता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, जो कुछ असंतुष्ट लोग रहते हैं वो अपना प्रयास करते रहते हैं। पर आपने कुछ लोगों के नाम बताएं कि पार्टी को ऐसा कुछ? नहीं, अभी ऐसा कोई विशेष बात नहीं रही मेरे यहाँ। मेरे यहाँ सबसे अच्छी बात ये रही कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, जो वरिष्ठ लोग रहे, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष और प्रभारी हमारे रहे राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल, जो युवक पूर्व मंत्री रहे, इसके अलावा पार्टी के सभी लोगों ने तन मन धन से काम किया। मैं किसी के ऊपर या दूसरों पर नहीं करना चाहता कि कौन विरोध किया। इन उपचुनाव में हमने देखा कि दो उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो खासे चर्चा में रही, इतनी इमरती देवी थी और दूसरे आप थे। आपको लेकर पहले एक बार एक वीडियो आया कि आप पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे तरह तरह की चीज़ें आपको लेकर आई, तो ये क्या था? बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूँ। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया था जी, उस समय विधायक था। और हमारे विधानसभा की एक परंपरा है कि अगर विधायक किसी गांव में जाते हैं तो उनके माँ बाप बोलते हैं कि आज हमारा विधायक आ रहा है जो हमारे गांव में बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था किया है। अपने बच्चियों को, देवियों को वो खड़ा करके कलश लेके सामने खड़ा कर देते हैं। उस समय मैंने किसी को एक रुपया, किसी को दो, बच्चियों को मैंने पूजन करने के बाद पैसा दिया। पर चुनाव के टाइम में वही वीडियो को इन लोगों ने वायरल किया कि देखो चुनाव के समय वो पुरानी वीडियो था। इसी ढंग से एक आरोपी थी जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, हाँ, उनको लेके भी कुछ बोल दिया था। एक्चुअली उनके शादीशुदा पत्नी आज भी बिलासपुर जिला में रहती है। इन्होंने शपथ पत्र में उसकी जानकारी नहीं दी थी और जो दूसरी पत्नी थी, शादी नहीं हुआ, उसको उन्होंने रख लिया था जी जी। तो रख लिया तो उसको मैंने रखेल बोल दिया, तो कौन सा गलती किया? रखने को तो रखेल बोलेंगे। इसलिए मैं कहा कि पुरानी पत्नी उनकी है, इसकी भी जानकारी देना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा काफ़ी विवाद भी हुआ।
लेकिन एक वीडियो और आया था जिसमें आप जो है रिवॉल्वर लेके लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इस दम पे आपने चुनाव जीता? ये वही बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। आपका वो भी वीडियो 8 साल पुरानी है, उसको भी चुनाव के टाइम में, लेकिन आप तो इतने शांत प्रिय सीधे साधे दिखाई देते हैं, हाथ में रिवॉल्वर लेके कार्यकर्ता। ऐसा नहीं था, मैं उसके बारे में आपसे, एक होटल है मेरा वहाँ पे मंदाकिनी करके, वहाँ पे 15-20 नौकर काम करते हैं, और बैग में मैं रिवॉल्वर रखा था। ऐसे बात उनसे हो रही थी कि किस कमरे में क्या है, कितने लोग आए, और उस समय रिवॉल्वर निकाल के थोड़ा समय साफ करने के लिए किसी को दे रहा था। जी। तो लोगों ने कह दिया रिवॉल्वर 8-9 साल की, 8-9 साल में अगर होता तो कार्रवाई होती ना, रिपोर्ट भी तो कोई करता। तो आपकी पुरानी पार्टी के जो आपके पुराने मित्र लोग थे, शायद उन्हीं का ये वायरल किए हुई सारी चीज़ें, जितने हमारे पुराने थे उसमें से 3-4 लोग बचे हैं, बाकी अनूपपुर जिला में कांग्रेस समाप्त हो गई। और वो लोग इसलिए बचे थे, उनको ये लालसा थी कि अगर हम कांग्रेस में रहेंगे तो चुनाव का पूरा मैनेजमेंट हमारे हाथ पर रहेगा, और जो पार्टी का फंड ऑन आता है वो उसको भी हमको मिलेगा, इसलिए 2-4 लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ा। बाकी कनकपुर में कांग्रेस तो रहने की समाप्त हो गई। बिसावलाल जी, आपके पिछला चुनाव करीब 28,000 वोटों से आप जीते थे, वो आपका हाईएस्ट था, इस बार 35,000 से ज़्यादा वोट मिले, तो इसमें आपका व्यक्तिगत कितना योगदान है, या भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है जो आपको प्लस हुआ? इसमें तीनों लोगों का योगदान है, एक तो वहाँ के मतदाताओं का योगदान है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इनका विशेष रूप से योगदान रहा, और थोड़ा बहुत जो मेरा संपर्क रहा वो भी योगदान रहा। तीनों मिला के हमने वहाँ से 35,180 वोटों से जीता, और यही कारण था कि वहाँ के लोगों ने मुझे आज भी असीम प्रेम करते हैं, और कोई भी पब्लिक आके मुझसे मिल सकता है सबसे बड़ी बात यह, इसलिए लोगों को भरोसा है कि इनके रहते हमारा काम होगा। अच्छा, आपका विभाग चूँकि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है, एक मामला अभी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया था कि भिंड तरफ बाजरे की खरीदी नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री ने उसको नाराजगी जताई, मक्की की खरीद नहीं हो रही, कई जगह ये शिकायतें आ रही हैं, तो ये इस तरीके का क्यों चल रहा है? जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, तो फिर नीचे अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही क्यों? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है और मेरा भी कहना है, किसानों का एक दाना भी खरीदी से वंचित नहीं होगा। आज हमारे क्षेत्र में बालाघाट, बैतूल, मंडला, शहडोल तरफ धान की खेती होती है, वहाँ धान की खरीदी हो रही है, आपके भिंड मुरैना से लेकर झाबुआ तरफ बाजरा मक्का वगैरह की खेती होती है, उसकी भी खरीदी चालू हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी किसानों का उपज है, कृषि उपज, हम सबको खरीदेंगे और उनको विधिवत समर्थन मूल्य के हिसाब से पेमेंट भी करेंगे। आपके विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है कि अब किसान को जो धान बोनी है, पहले मिलर से उसको उसकी सहमति लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी, तो ये एक बंदिश क्यों? क्योंकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो धान की विविधता का क्षेत्र है, कि किसान अपनी मर्जी का धान बोता है, आदिवासी समाज अपनी मर्जी की धान बोती है, तो इसमें ये एक ये जो कुछ लोगों को समझ के परे होता है कृषि खेती करना। अब धान का जहाँ तक सवाल, जहाँ पे गहरा किस्म के खेत होते हैं जिसमें पानी बहता है, वहाँ बासमती, दुबराज, विष्णुभोग जैसे अच्छे धान पैदा होते हैं। इसके बाद उसके ऊपर जहाँ पे गहरा खेत नहीं होता है उसमें भी धान होता है, सिंचाई करके उसमें भी फसल उत्पन्न होता है। कुछ बगार किस्म के होता है, मैदानी टाइप का, वहाँ भी ट्यूबवेल लगा के किसान अपना फसल बोते हैं। हमने कोई ऐसा बंदिश नहीं लगाया है जो लोगों की समझ में नहीं आया। किसान चाहे तो हाईब्रिड कृषि विभाग से खरीद के बोए, या कि उसके पास अगर अच्छी बीज है तो उससे बोए। सवाल इस बात की है कि धान हम खरीद रहे हैं उसमें लोगों को ये दिक्कत हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमने कह दिया कि किसानों का एक पाई भी धान नहीं बचेगा, तो कुछ लोग, अब धान जब पैदा होता है तो उसको छन्ना किया जाता है, उड़ाया जाता है, तो जो बदरा किस्म के होता है उसको भी मिला के बेचना चालू कर देते हैं। तो हमने जगह जगह सर्वेयर रखा है और हमने कहा कि इस तरह के मिलावट वाला धान नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम उसको मिलिंग करते हैं, और मिलिंग करने के बाद जब चावल निकलता है तो फिर गरीबों को बांटते हैं, आपके राशन के दुकानों में जाते हैं। तो मिलर्स का उसमें कोई रोल नहीं, मिलर्स हो चाहे ट्रांसपोर्टर हो, अगर घपला करेगा, जैसे अगले बार अब यहाँ से हमने धान उनको दे दिया मिलर को,
अब वो जाके धान के बदले में बाजार से पुराना चावल या रद्दी, ऐसा कुछ हो चुका है कुछ जिलों में, शिकायत आई थी केंद्र सरकार ने, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की है। तो मिलर्स के कहने से थोड़े विभाग चलता है, हमारे कहने से चलेगा कि आप अच्छे हमसे जो धान ले रहे हैं उसके बदले में वही चावल हमको लौटाइए। अब हमसे धान लेके उत्तर प्रदेश बिहार से चावल ला के तुम उसको लौटाओगे तो हम नहीं लेंगे, ये बात हुई है। एक अभी मामला कल ही संज्ञान में आया था मुख्यमंत्री जी के, कि वो एक फॉर्चून वाला है वो धान नहीं खरीद रहा था, मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई की, नए कृषि विधेयक जो आए उसको लेकर, चूँकि आपका विभाग भी उससे ही जुड़ा हुआ है, खरीदी की प्रक्रिया कहीं ना कहीं आपका विभाग भी करता है, तो आप कैसे देखते हैं इन कृषि विधेयकों को तीनों जो आए हैं? देखिए क्या है, हमारा साफ कहना, मुझे जब ये जानकारी मिली तो दो तीन दिन पहले मैंने PS को दमोह सागर तरफ भेजा कि जाके आप देखो ये क्या घपला हो रही है, और हमारे MD बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा तरफ उनको भेजा, अभी तक लौटे नहीं। मैं कहा किसी तरह से अनियमितताएं विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो हमारा पूरा प्रयास है कि ये विभाग प्रदेश में स्वच्छ और सुंदर बने और भ्रष्टाचार मुक्त ये विभाग रहना चाहिए, और जो भी अधिकारी कर्मचारी चाहे कितना बड़ा हो, अगर हमें पता चल जाएगा कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फुटबॉल खेलने का आपको बड़ा शौक रहा है पहले, अब तो राजनीति में भी फुटबॉल बना दिया आपने तो क्या अभी भी वो शौक जिंदा है? देखिए जब कभी मौका मिलता है तो अपन कर लेते हैं, बाकी राजनीति तो चलती रहती है और चलती रहेगी। मैं आदरणीय मोदी जी और शिवराज सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और तुरंत मंत्रिमंडल में शामिल किया जी। जबकि मैं और कमलनाथ जी एक ही साथ 80 में वो सांसद बने, में विधायक बना, शायद कांग्रेस को मेरी ज़रूरत नहीं रही होगी, इसलिए मुझे किनारे रखे 15 महीने तक। ठीक है, दिग्विजय सरकार में तो आपको लगातार 2-3 बार मौका मिला था मंत्री बनने का। मैं तो 5-6 विभाग का मंत्री रहा, मेरे पास माइनिंग भी रहा, PWD रहा, पशुपालन भी रहा, ट्राइबल वेलफेयर रहा, ऊर्जा रहा, पर मैंने ये बात राहुल गांधी से कहा कि साहब मैं 5-5, 6-6 विभाग का मंत्री रह चुका हूँ और कम से कम 25-30 साल से MLA हूँ, तो क्या कारण है कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया? राहुल गांधी ने कहा नहीं, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपका तीसरे नंबर पर नाम था, पर कुछ व्यक्तियों ने अपने लड़के भाई भतीजों के चलते आपका नाम काट दिया है, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं उस पर जरूर देखूँगा। और मैंने 15 महीने तक धैर्य रखा, जब कुछ नहीं हुआ तब तब मुझे ये निर्णय लेना पड़ेगा कि इनके साथ रहने में कोई फायदा नहीं। तो आपके निर्णय पे तो आपके क्षेत्र की जनता ने भी मुहर लगा दी पूरी। लेकिन ये बताइए कि उपचुनाव के दौरान ये कहा जा रहा था, कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि 28 की 28 सीटें वो जीत रहे हैं, फिर ये कहा जा रहा था 20 वो जीत रहे हैं, फिर ये कहा जा रहा था बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं वो लौट के आने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपसे भी ऐसा कोई संपर्क किया गया था उस दौरान कि यदि कोई परिस्थितियाँ बनती तो वो वापस कांग्रेस में आ जाए? नहीं, देखिए मुझे 40 साल के राजनीतिक जीवन में अनुभव था, मैं मेरे यहाँ जब चुनाव के टाइम में शिवराज सिंह जी गए थे और हम दोनों की चर्चा हो रही थी, तो बोले बिसाऊलाल जी इस बार कांग्रेस कितने सीट जीतेगी? मैं कहा साहब 10-12 से ज़्यादा सीट जीत नहीं सकती, क्योंकि पूरे प्रदेश का मुझे अनुभव है, हर जिला को मैंने देखा है, ये कितना भी प्रयास करेंगे 8-10-12 से ज़्यादा जाएंगे तो और कम रह गई तो मैं कहा ज़्यादा से अगर होगा तो ये जाएगी, क्योंकि कमलनाथ जी बहुत सुंदर व्यक्ति हैं, उसमें एक ही कमी है कि किसी की बात को जल्दी मान लेते हैं, पर इस बात उन्हीं के चक्कर में सरकार गई, कमलनाथ जी कुछ उनके जो सलाहकार थे उन लोगों ने कमलनाथ की सरकार को गिराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे कौन कौन लोग थे? अरे मेन तो इसमें दिग्विजय सिंह साहब थे, हमारे भी नेता रहे हैं, अगर वो बर्दाश्त कर लेते कि अपने लड़के को, अपने भतीजा को और अपने जो उनके और लोग थे इनकी जगह पे, अब आपके अधर सिंह कंसाना छूट गए, आपके क्या कहते हैं मैं छूट गया, वो कक्का जी अपना वो छूट गए, आपके खजुराहो का विधायक नाती राजा छूट गए, आपके दत्ती गांव तो जो वरिष्ठ लक्ष्मण सिंह उनके छोटे भाई भी छूट गए, वो भी नाराज थे, तो ये सब लोगों की नाराजगी, अगर वो दो चार
महीना रुक के जी। अगर ये छोटा और डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री अभी तक अपने राजनीतिक जीवन में 40 साल में नहीं देखा कि एक बार का विधायक दो बार का कैबिनेट मंत्री बन जाए, राजमंत्री उपमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री बनता है। पर पता नहीं इनकी सोच कैसी रही जिसके चलते नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन श्रेय तो दिग्विजय सिंह को ही दिया गया था जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो दिग्विजय सिंह जी पहले बार 93 में जब मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक उनका बहुत अच्छा प्रशासन और शासन चला। दूसरे बार के आए तो थोड़ा सा अहम आ गए और इस बार तो पूरा सोचे कि चलो अब हम 72 साल के हो गए हैं, हमारे जगह पे हमारे लड़के लोग क्यों ना आ जाएं ताकि अगले बार हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। मेहनत तो उन्होंने की थी, पदयात्रा निकाली नर्मदा क्षेत्र में। मेहनत तो उन्होंने भोपाल के लोकसभा चुनाव भी किया था पर 4.5 लाख वोटों से हारा। तो इससे कुछ नहीं होता, पब्लिक धीरे धीरे समझने लगी है कि कौन पब्लिक को बेवकूफ बना रहा। तो क्या कमलनाथ जी या कहें कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो उसके समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में गड्ढा खोल रहा है? मैं आपको शुरू में ही कहा कि अब मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश में वो कांग्रेस नहीं रह गई जो इंदिरा जी के टाइम पे रही, राजीव गांधी के टाइम पे रही जी। उनका मेरे जिले में करीब इंदिरा जी का 4-5 दौरा हुआ, मंडला में 4-5 बार गई और आपके बस्तर में गई जहाँ ट्राइबल बहुल है वहाँ उनको विशेष प्रेम रहा जी। आज ट्राइबलों से वर्तमान कांग्रेस को मोह है ही नहीं। आज ट्राइबलों के बदौलत, आदिवासियों के बदौलत कमलनाथ की सरकार बनी थी। हमारा गौड़ समाज यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या गौड़ समाज की, आदिवासियों की, और गौड़ समाज से मात्र ओंकार मरकाम को राहुल गांधी के कोटा से बनाए। इसके बाद आज खंडवा हो, आपके बालाघाट हो, बैतूल हो, छिंदवाड़ा हो या डिंडौरी हो या आपके शहडोल अनूपपुर हो, गौड़ समाज के सबसे ज़्यादा विधायक हैं और इन्हीं के चलते इनकी सरकार बनी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? कौन लीडर नया नेता उभर के आ सकता है? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 50 साल तक कांग्रेस अब आने वाली नहीं। यहाँ पे 50 साल हो सकता है कि भविष्य में आए ना, जैसे कि कई प्रांतों में कांग्रेस खत्म हो गई और इस बार मध्य प्रदेश में भी खत्म हो गई, तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। अगले 3 साल के लिए क्या रोड मैप आपने अपने विभाग के लिए बनाया है? हमारा सबसे बड़ा काम ये है जी कि गरीब की थाली कभी न रहे खाली। मध्य प्रदेश के जितने गरीब लोग उनको कम से कम 24 घंटा में ये न कहना पड़ेगा कि हमको राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है जी। हमने अभी 37 लाख लोग जिनकी राशन पर्ची नहीं बनी थी, ये 2-3 महीने के अंदर हमने 37 लाख लोगों की राशन पर्ची बटाया और 37 लाख लोगों को आज राशन हम उपलब्ध करा रहे हैं। आज भी हमने सभी जिलों के निर्देश दिए हैं कलेक्टरों को कि जो भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, जो बिल्कुल गरीब, उनका आप सर्वे करिए और सीधा लिस्ट दीजिए ताकि सभी को हम कम से कम राशन उपलब्ध करा सकें, कोई भूखा ना रहे। ये भी काम चालू है, अभी 37 लाखों को लोग दे रहे हैं। बिसावलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत धन्यवाद पटेलिया जी, आपको बहुत धन्यवाद आपके चैनल। तो आपने सुना बिसाहूलाल सिंह जी का मूल मंत्र है गरीब की थाली कभी ना रहे खाली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नीति बनाई है उस पर चलते हुए प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति को भोजन का अधिकार देने का संकल्प पूरा करना चाहते हैं। इसके साथ ही वे आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान देना चाहते हैं। अनादि शख्सियत में अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।